जिन्हें यह नहीं पता कि फटती कैसे है और उधड़ती कैसे है, उन्हें पड़ोसी पाकिस्तान के कानों से निकलती अलगोजों की आर पार की ध्वनि को सुन लेना चाहिए। यह देश जो भारत के पड़ोस में रहकर पूरी दक्षिण एशिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है, अब इसकी पूंछ को मरोड़ने का ठेका भारत ने ले लिया है। पर कमाल की बात यह है कि भारत जब भी इसकी पूंछ पर नस्तर छापने के लिए कदम बढ़ाता है, यह या तो अमेरिका की तरफ भागता है या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाता है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने इस मुल्क के वजीर आजम से हाथ क्या मिलाए, इसने एलओसी पर एक्सपेरिमेंट करने की चाल चल दी। मतलब यह मुल्क देखना चाहता था कि एलओसी पर सीज फायर टूटने पर ट्रंप फिर कोई बयान दे सकता है क्या। लेकिन भारत ने एलओसी पर इसकी तसरीफ पर जो जूते बजाए हैं, ट्रंप का बोलने का तो साहस नहीं हुआ, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय गौरव अहलूवालिया के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। यानी यह वही बात है कि पहले एलओसी पर स्थिति खराब करो, बाद में भारतीय गोलों और गोलियों से बचने के लिए भारत से जान बख्शने की फरियाद करो। गौरतलब है कि ट्रंप द्वारा कश्मीर का उल्लेख अपने बयान में किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और अब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और महानिदेशक दक्षिण एशिया मोहम्मद फैसल जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। पर यह मामला केवल सीज फायर के उल्लंघन से नहीं जुड़ा है, पाकिस्तान ऐसा करके ट्रंप के बयान की धार का अनुमान लगा रहा है। मतलब ट्रंप ने गंभीरतापूर्वक कश्मीर का राग अलापा था, अथवा वह केवल उसके खुरापाती दिमाग की बकलोली थी। पर बड़ी बात यह है कि एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा बिगाड़े जा रहे हालात पर अमरीकी प्रशासन ने उफ तक नहीं की है। गौरतलब है कि 22 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार मुलाकात हुई थी। यह अचानक होने वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि इमरान खान ट्रंप के न्योते पर ही अमरीका गए थे। इसी मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अमरीकी सांसदों ने भी खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की थी। वैसे पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जिनके तहमंद में छेद होते हैं, उन्हें पंखा नहीं झलना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो हवा की गति भांपना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इन मदरसा छाप लोगों को नहीं पता है कि ट्रंप का बयान एक सगुफा मात्र था। ट्रंप को कश्मीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रंप के लिए असली मुद्दा तो अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी सेनाओं की जरूरत पाकिस्तान के रास्ते ही पूरी होती है। वहीं फंटर पाकिस्तान ही अमरीकी सेना की वापसी का रास्ता भी तय कर सकता है। ऐसे में यदि पाकिस्तान अमरीका से खराब रिश्तों के चलते और चीन या रूस के बहकावे में आकर इस रास्ते को बंद करने का दुस्साहस करता है, तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अमरीका की मंशा यही थी कि पाकिस्तान को ऐसा करने से रोका जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की तालिबान के साथ वार्ता में मौजूदगी भी खास है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगती उसकी सीमा पर आज भी तालिबानी मौजूद हैं। पाकिस्तान पहले से ही इन तालिबान को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराता रहा है। अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमरीका को जरूरी है कि तालिबान को शांत रखा जाए। यह काम उसके लिए यह मदरसा छाप देश ही कर सकता है। पर यह पाकिस्तान है, इस मुल्क की आदत रही है कि टुकड़ा खाओ रोटी की उम्मीद लगाओ। मतलब गया था अमेरिका से भीख मांगने, पर अमेरिका ने अपने काम निकालने के लिए इसे एक दिन के लिए कश्मीर की टोपी पकड़ा दी, जो अगले दिन होते होते भूल गई। इसे लगा बस जल्दी ही इसे कश्मीर मिलने वाला है। पर इस चक्कर में अब भारत जवानों पर ऐसी जगह गोली खाई है कि नमाज पढ़ने लायक भी नहीं रहा है। अमरीकी प्रशासन अफगानिस्तान में अपनी रणनीति बना रहा है, जबकि यह मुगल छाप भारत से पिछवाड़ा तुड़वा रहा है। पूरे हफ्ते इसने जमकर सीज फायर किया, लेकिन इसकी कोई सुध लेने नहीं आया। पाकिस्तान को यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान वर्तमान हालात में अमेरिका के लिए किसी भी तरह फायदे का सौदा नहीं है, केवल अफगानिस्तान के मसले को छोड़कर। पाकिस्तान कंगाल मुल्क है, जो आज अमेरिका के लिए उसके बाजार के योग्य भी नहीं है। इस मुल्क में ना लोकतंत्र है और ना ऐसे संसाधन जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश कर सके, जहां पूरा पाकिस्तानी भीख और झूठ पाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो। ऐसे मुल्क से अमेरिका को क्या मिल सकता है, जबकि इस फिसड्डी मुल्क के मुकाबले भारत एक बड़ा बाजार भी है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भी। ऐसे में इस खटारा मुल्क के लिए अमेरिका भारत से कभी भी संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान झोली फैलाकर अमेरिका से हथियार मांगता है,
पर हिंदुस्तान अमेरिका के मुंह पर पैसे मारकर हथियार खरीदने वाला उसके लिए सबसे बड़ा खरीदार है। जिस दिन पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई, उसके बाद पाकिस्तानी सड़कों पर गधैया नृत्य करना भूल जाएंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।